हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के इस ट्यूटोरियल में, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं टेली प्राइम में सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री कैसे करते हैं। आज हमें सीखना है कि सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्रियां कैसे करते हैं टेली प्राइम में। हमने इसके पहले वाले लेक्चर्स पे आपको बताया था कि IGST आइटम को कैसे परचेज करते हैं या सेल करते हैं, नगद और उधार कैसे हम सेल या परचेज करते हैं उसके। और हमने पहले सारी डिटेल्स में आपको विथ प्रैक्टिकल के साथ हमने नोट्स भी पढ़ाई थी और प्रैक्टिकल भी साथ में करवाया था। तो आज हमें सीखना है कि सेल्स कैसे करते हैं इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड आइटम को। हमने इसको परचेज भी करना आपको बताया था। अगर आपने हमारे वो वीडियोस नहीं देखे तो वो वीडियोस जाके जरूर देख लें, क्योंकि आपके लिए बहुत ही यूजफुल वो वीडियोस हैं। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। आज हमें करनी है इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री, वो भी सेल्स वाउचर में। कैसे करेंगे? हमें ओपन करना अपना सॉफ्टवेयर। ये हमने किया क्लिक सॉफ्टवेयर पे और ये हमारा कर रहा प्रोसेस। अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है हमारा टेली प्राइम का, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम इसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर देंगे, जिसे आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ये जो नोट्स है हमारी, जिस पे एंट्रियां वगैरह हैं या हमारी थ्योरी है, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमने इसको डिस्क्रिप्शन पे अपने लगा रखा है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया ओपन। नेक्स्ट क्या करना है हमें? एजुकेशनल मोड पे टेली को ओपन करना है। नेक्स्ट हमारी जो कंपनी हो जिसमें हमने परचेज किया हो उसी में, क्योंकि हमें सेल करना है तो उसी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। हमने कर लिया सेलेक्ट। नेक्स्ट जाएंगे वाउचर पे। नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट का वाउचर। हमें क्या करना है? सेल करना है। सेल के लिए F8 शॉर्टकट होती है, हमने किया प्रेस। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसके पहले 6 एंट्री आपको बताई है। अगर आपने वो वीडियोस हमारे नहीं देखे, वो एंट्रियां नहीं देखी, तो वो एंट्रियां जरूर देख लें। हमने बहुत सारी एंट्रियां बताई हैं आपको। एंट्री पे कैसे करेक्शन करते हैं, या कोई आइटम रह गया तो उसे कैसे ऐड करते हैं, या कोई आइटम हटाना है तो कैसे हटाते हैं, करेक्शन कैसे करते हैं, बहुत सारी चीजें हमने आपको बताई हैं। तो आज हमें क्या करना है? सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड की एंट्री करना है। क्या करेंगे? यहाँ पे पूछ रहा पार्टी का नेम। अब पार्टी का नेम क्या है? पार्टी का नेम जो भी हो हमें सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे पार्टी का नेम यहाँ पे हम डालना है, पार्टी का नेम आशीष। आप यहाँ पे देख सकते हैं ले ही नहीं रहा। क्या करेंगे इसका? हम लेजर क्रिएट कर देंगे। लेजर क्रिएट करने के लिए हमें क्रिएट के ऑप्शन पे जाना है। नेक्स्ट इंटर यहाँ पे डालना आशीष। हमने डाल दिया आशीष कृषिबीज भंडार। नेक्स्ट करेंगे इंटर। अब हम आ चुके हैं अंडर पे। हमें यहाँ पे अंडर पे क्या सिलेक्ट करना है? हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है सन्ड्री डेबिटर्स, क्योंकि ये हमारे क्या है? देनदार है, जिन जो हमसे उधार माल परचेज कर रहे हैं। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता कि हमने क्यों यहाँ पे सन्ड्री डेबिटर सिलेक्ट किया है, तो हमने इसके पहले वाले वीडियोस पे हमने बताया कि हम सन्ड्री क्रेडिटर्स और डेबिटर्स क्यों सिलेक्ट करते हैं। आप उस ट्यूटोरियल को जरूर देख लें। नेक्स्ट हमें करना है एंटर और इसका एड्रेस फिल करना। एड्रेस जैसे, अब जैसे इनका एड्रेस है यहाँ पे, हम डाल रहे हैं दिल्ली, दिल्ली। हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया केवल दिल्ली। अब स्टेट इनका कौन सा, हमें वही स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, जैसे ये भी दिल्ली है, हमने कर लिया सेलेक्ट। नेक्स्ट पिन कोड जो भी हो यहाँ पे फिल कर देना है। नेक्स्ट हमने फिल कर दिया। नेक्स्ट करेंगे इंटर। यहाँ पे रेगुलर रजिस्टर्ड रजिस्ट्रेशन टाइप हमारा रेगुलर ही रहेगा। नेक्स्ट करेंगे इंटर। अब यहाँ पे हमें GST नंबर इसका फिल कर देना। अगर आपको GST नंबर के बारे में नहीं पता, तो हमने इस पे भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उन्हें जाके जरूर देख लें। नेक्स्ट हमने यहाँ पे फिल कर दिया GST नंबर। नेक्स्ट करेंगे इंटर और इसे एब्सेक्ट करा देना। हम करेंगे इंटर और ये हो चुका हमारा लेजर एब्सेक्ट। अब यहाँ पे पूछ रहा, बोल रहा कि वेरीफाई कर लो अपनी पार्टी की डिटेल्स। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे एंटर करते हुए वेरीफाई कर देना। नेक्स्ट अब हम आ चुके हैं सेल्स के लेजर पे। यहाँ पे हमें बनाना है सेल्स का लेजर। क्या बनाएंगे यहाँ पे हम? कौन सा आइटम सेल कर? सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड। तो क्या करना हमें यहाँ पे बना देना सेल्स इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड का, क्योंकि हमने जब एग्जेम्प्टेड आइटम को सेल किया था तो हमने यहाँ पे बनाया था सेल्स एग्जेम्प्टेड। GST आइटम को बेचा, GST बना दिया,
और आईजीएसटी को बेचा, आईजीएसटी बना दिया। आज हमें करनी है इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, तो क्या करेंगे, क्रिएट के ऑप्शन पे जाएंगे, नेक्स्ट इंटर, यहाँ पे डालना है इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड, हमने डाल दिया इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड। नेक्स्ट करेंगे इंटर, हम आ चुके हैं अंडर पे। अब हम यहाँ पे क्या कर क्या रहे हैं, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, हम कर रहे हैं सेल, तो हमें यहाँ पे क्या सिलेक्ट करना है, सेल्स अकाउंट। अगर हम यहाँ पे परचेज कर रहे होते तो हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते, परचेज अकाउंट। नेक्स्ट हमें कुछ भी नहीं छेड़ना है, यहाँ पे कर देना इंटर। अब यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई क्या है हमारा, गुड्स है या सर्विस है, गुड्स है, हमने किया इंटर और एक्सेप्ट करा दिया। आप यहाँ पे देख सकते कि हमारा लेजर क्रिएट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे आइटम हमें सेल करने हैं, कौन कौन से आइटम सेल करते हैं, जैसे हमारे पास था जीरा सीट। अब जीरा सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जीरा सीट हमने जैसे ही यहाँ पे प्रेस किया, फिल किया जे, तो यहाँ पे जीरा सीट का ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट हमारे पास 14 kg है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे जैसे इनको चाहिए 5। नेक्स्ट इंटर किया, नेक्स्ट यहाँ पे 290 रुपए, अगर आपको रेट इसका इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे हमने जब दोबारा इसे परचेज किया था, ये हमें बहुत ही महंगा मिला था 310 रुपए में, तो हम इसे बेच रहे हैं जैसे 320, हमने बेच दिया इसको 320 रुपए। नेक्स्ट किया इंटर, आप देख सकते हैं कि अमाउंट इसने काउंट कर लिया। नेक्स्ट हम आ चुके हैं सेकंड आइटम पे। अब जैसे इनको चाहिए सरप्राइज गोल्ड, हमने सरप्राइज परचेज किया था, तो हमें इनको सरप्राइज भी बेच देना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सरप्राइज गोल्ड जो हमारे पास है वो है 6 kg, एंटर करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे कितना चाहिए इनको, 2 kg चाहिए, 180 रुपए। जैसे अब हम जब दोबारा परचेज किए थे हमने, तो हमें ये महंगा मिला था, हम क्या करेंगे यहाँ पे 200 रुपए कर देंगे और करेंगे एंटर। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अमाउंट इसने काउंट कर लिया। नेक्स्ट जैसे कोई तीसरा आइटम इन्हें चाहिए, तीसरा आइटम चाहिए TMT, जैसे हम यहाँ पे डाले TMT, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 12 लीटर है, हमने किया इंटर, 12 लीटर में इनको चाहिए था 2 लीटर, हमने किया इंटर। नेक्स्ट 500 रुपए हम बेचे दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको घाटा समझ में आ रहा तो आप इसका रेट थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जो हम रेट बढ़ाएंगे वही हमारा मुनाफा होता है। नेक्स्ट क्या करना, इसे हमें सेव कर देना, हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुके क्योंकि इसमें GST वगैरह तो काटनी नहीं है, इंटर स्टेट एग्जेम्प्टेड है, अगर हम इसमें GST भी लगाएंगे तो ये लेगा ही नहीं। आप चाहे देख सकते हैं यहाँ पे हमने CGST लगा दी, कुछ नहीं लिया। नेक्स्ट IGST यहाँ पे लगा दें, ये लीजिए यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने दोनों लगा दी, कुछ भी नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये GST आइटम है ही नहीं, तो कैसे ले लेगा। क्या करना हमें यहाँ पे, कुछ नहीं करना, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ पे भी एंड ऑफ लिस्ट। नेक्स्ट करेंगे इंटर और इसे एब्सेप्ट करा देंगे, इंटर करते हुए चले जाना और इसे एब्सेप्ट करा देना, हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। जैसे हम इंटर कर देंगे, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंट्री नंबर हमारी 7 है, जैसे इंटर करेंगे ये एंट्री नंबर हमारी 8 आ जाएगी, हमने किया इंटर, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एंट्री नंबर हमारी 8 ओपन हो चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या करना, हमारी एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, नेक्स्ट हमें करना इस टैली को क्लोज। टैली को क्लोज करने के लिए हमने बताया था स्किप बटन का यूज करते हैं, कीबोर्ड की सबसे पहली बटन जो कि होती है स्किप बटन, और बैक जाने के लिए टैली पे हम करते हैं बैक स्पेस। जैसे हम लेजर क्रिएट करते हैं और वहां से हमें बैक करना है, तो हम वहां पे यूज करते हैं बैक स्पेस। नेक्स्ट हमने किया स्किप और टैली को क्लोज कर दिया। आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगते हैं और आपको किस टॉपिक पे वीडियोज चाहिए, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये हमारी नोट चाहिए तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।